अब तो भैया लव मैरिज करने से पहले सावधान होना पड़ेगा, वरना क्या बताए दुनिया छोड़कर चले जाओगे, फांसी बंधन से लटक जाओगे। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले मसौरी थाना क्षेत्र का। लव मैरिज तो ऐसा हो गया कि मान चलो कोरोना वायरस एक के बाद एक भैया लोगों की मौत हो रही है। पहले फतेहपुर में कल एक महिला की मौत हुई, आज बगत बाराबंकी के मसौरी के गेंदौरा गांव में। जी हां भैया, गेंदौरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी बंधन से लटकता हुआ शव मिला। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने अपने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम शिवानी गौतम बताया जा रहा है, उम्र 20 साल रही है, चंद्वारा गांव की रहने वाली थी। एक साल पहले ही भैया राहुल नाम के लड़के से शादी की थी। ये बकायदा गेंदौरा गांव का रहने वाला था। दोनों लोग हंसी खुशी रहते थे और बकायदा बुधवार को गए थे सब जने देर रात्रि को भगवत कथा सुनने के लिए। उसके बाद जब शिवानी घर को आई, कमरा बंद कर लिया अंदर से और ना तो कोई आवाज़ आया ना चिल्लाने की आवाज़ थी। रात को 2 बजे बकायदा परिवार वालों ने बहुत गेट खटखटाया, उसके बाद देखा तो लियो लटक रही थी, दुनिया छोड़कर चली गई, जीवन लीला समाप्त कर दी। अब फिलहाल यह पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है, लड़के को हिरासत में ले लिया पुलिस ने, पूछताछ कर रही है। पर फिलहाल तो उससे बड़ी खबर थी मसौली से हमने का बता दें। साइरस के आवाज बजती रह जाएगी, माथा का बाल फूट जाएगा, पीछे से ट्रक आएगा, ट्रक ट्राली को ठोकर मार देगा और ट्रक ट्राली भैया ऐसे पलटेगी कि क्या बताएं, कई लोग घायल हो जाएंगे। 2 की तो मौतें हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको बगैर लखनऊ रेफर किया गया, बाकी का इलाज चल रहा। भैया दर्जनों लोग घायल हो गए। इस सूचना मुंडन करवाने के लिए गए थे और वापस लौट रहे थे, सब जने भैया रामनगर के रहने वाले थे। कुटवा सड़क के पास है, भीषण सड़क हादसा हो गया। अब मामले की जानकारी बाराबंकी जिले का पुलिस अधीक्षक दक्षिणी साहब दे रहे थे, सुन लो। आज रात्रि लगभग 3:30 बजे जनपद बाराबंकी के रामसरही घाट थाना अंतर्गत कोटवा के पास नेशनल हाईवे पर जब एक मुंडन संस्कार से एक ट्रैक्टर ट्राली पर बैठे हुए गांव के कुछ लोग जो रामनगर के रहने वाले कटका के हैं आ रहे थे, तो वहीं पर पीछे से एक टक्कर ट्रक ने मार दिया जिससे कई लोग घायल हो गए। उनको तत्काल एम्बुलेंस बुला के तुरंत जिला चिकित्सालय को भेजा गया इलाज के लिए। ट्रक को पकड़ लिया गया, घायलों में से इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 6 लोगों को रेफर किया गया लखनऊ और 6 लोगों का उपचार किया जा रहा है। कानून और शांति व्यवस्था सामान्य है, अनुचित कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बाराबंकी की पुलिस तुरंत पहुंचती है और कार्रवाई करने में जुट जाती है, घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाती है, पर 2 लोग की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अब चाची मौसी बुआ ताई सबसे अपील करते हैं कि जब हम मुंडन जैसे कार्यक्रम में जाना तो ट्रैक्टर ट्राली पर कतई मत बैठा करो, वरना का बताएं हादसे का शिकार हो जाओगे, माथा कबार फूट जाएगा और कई लोग यमराज के पास पहुंचाएंगे। पर फिलहाल बाराबंकी जम्मू उत्तर प्रदेश के लिए आधा साउथ के वीडियो शेयर कर लाल चैनल मिलेगी तो बाद में बहुत बड़ी खबर थी, हमने बता दें आपको।